आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो ये चीजें देखने से तो काम चलेगा नहीं। जी, नहीं महसूस, हर लोगों में आपकी बहुत चर्चा है, मतलब कई लोगों से चर्चा सुनते हैं। नहीं इससे काम नहीं चलेगा। जी देखो जी मैं आपको एक चीज, अच्छा आप थोड़ा सा अपने बारे में एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करें कि आप क्या करते हैं और आपका। अरे सर, मैं भोपाल में मिला था नहीं वो आपसे, हाँ, वो जमीन परचेज की बोला था मैंने। हाँ अच्छा, आप जो, हाँ, जो पूरे ग्रुप मैंने आपका मैं नहीं जोड़ा है। अच्छा, हाँ हाँ देखो मेरा ये कहना है, देखिए जी आपकी यहाँ पे जो भूमिका हो सकती है जी जी किसानों को जोड़ने की, राइट। जी 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 देखो आई डोंट नो, अभी आपने नए हमारा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, जी 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 हमारा इसमें ये मानना है कि देखिए राजनीति में तो दुष्टता है, जी जी चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी, जी 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 राजनीति अपने आप में एक व्यवसाय हो गई है और उस व्यवसाय में दुष्ट जी लोगों जी को जो है वो प्राथमिकता मिल रही है। जी 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 देखिए 42% लोग जो है क्रिमिनल हैं एज पर द दे आर ऑन एडमिशन, राइट। जी जी और इन लोगों ने जो भी नियम कानून बनाना है अपने हित के लिए बना रहे हैं, जी 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 राइट। देखिए 2004 के बाद जी 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 आम सिविल सर्वेंट को पेंशन नहीं जी मिलेगी, ठीक है ना, जो भी सरकारी जी नौकरी जी कर रहा है। जी जी लेकिन यदि राजनेताओं को यदि एक दिन भी एक मेंबर रहेंगे किसी भी हाउस के, तो जी इन्हें जी उस पेंशन का हक है, राइट, जी और एक से ज्यादा पेंशन का भी हक है। मतलब जी यदि आप अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कल आप मेंबर ऑफ एमएलए बन गए, तो जी एमपी की पेंशन भी मिलेगी और एमएलए की पेंशन भी मिलेगी, ठीक अच्छा अच्छा है ना। और परसों आप यदि किसी तीसरे चीज के बन गए तो उसकी पेंशन भी मिलेगी, तो ये कितनी विडंबना की बात है। अच्छा जी सही कह रहे हैं बिल्कुल आप अब आप ये देखिए, जी आप एक चपरासी बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए शिक्षा भी चाहिए जी और आपको उसके लिए सचरित्र भी होना चाहिए, आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जी जी आप जो है कानून को बनाने वाले बन रहे हैं, देश की बागडोर को संभालने वाले बन रहे हैं, तो ना आपको शिक्षित होने की जरूरत है और ना ही जी आपको सचरित्र होने की जरूरत है। जी जी ये इस देश की विडंबना नहीं है, जी क्या कहना है आपका? सही कह मतलब ये विडंबना का विषय है। आप देखिए, रहे हैं आप और डेमोक्रेसी ग्राउंड में कहीं नहीं, आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये जो ये आप लोगों को से वोट ले रहे हैं, क्या वो मेरिट के आधार पर ले रहे हैं या ले रहे हैं आपको रिलीजन में, जाति में बांट के, या फ्री भी बांट के, या दारू बांट के, या पैसा बांट के, या साड़ी बांट के, या मूर्ख बना के ले रहे हैं? तो क्या ये सही मायने में आपके रिप्रेजेंटेटिव है क्या? नहीं है सर, गलत है बिल्कुल नहीं है ना। जी। अब आप ये बनाइए, अब चलिए एक तो हो गया, चलो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन अपन ने वोट दिया तो दूसरे तरीके से ऑफिशियली हमारे रिप्रेजेंटेटिव है भी, ठीक है ना। अब अपन जरा इसको दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पार्लियामेंट में या विधानसभा में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? क्या ये अपनी बात भी रख पा रहे हैं क्या? तो वो भी नहीं रख पाते जी। अच्छा क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि ये पॉलिटिकल व्हिप के अधीन है, राइट। आप पॉलिटिकल व्हिप तो जानते हैं ना, पार्टी व्हिप। हाँ जानता हूँ जी तो जैसे जो है वो पार्टी का जो कहेगी आपको वही करना पड़ेगा, राइट। जी जी और यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, बाहर कर दिए जाएंगे राइट। अब यदि आप जो है, चलो मान लिया कि आप पार्लियामेंट में और विधानसभा में पब्लिक की बात नहीं कह पा रहे हैं, जी तो क्या बाहर हम पब्लिक की बात कह पा रहे हैं? जी जी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल सही बाहर क्या जी
क्या टीवी डिबेट में ये पब्लिक की बात रख रहे हैं? जी नहीं जी रख रहे पुलिस हैं, नहीं रख पा रहा। ठीक है ना। तो ना इलेक्शन के के तरीके से और ना ही उसको प्रस्तुतिकरण के तरीके से ये डेमोक्रेसी से नहीं कहा जा सकता है, राइट। और इसके टॉप में जो है ये क्रिमिनल्स को जो है वो तवज्जो दे रहे हैं, तो ये दो तरीके के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं। एक क्या है, अपराधी, 42% लोग जो है ना क्रिमिनल्स हैं, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हर जो है पार्लियामेंट में बढ़ते जा रहे हैं, राइट। दूसरा जो है ये अपने लोगों को जो है वोट दे रहे हैं, मतलब जैसे अपने बच्चों को, राइट। तो आपके जेएन में जैसे मैं ये बात कहूंगा ढेर सारे चेहरे आ जाएंगे, ये अपने बेटों को टिकट दिला रहे हैं, जीत जा रहे हैं तो उन्हें वो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बना दे रहे हैं, और उनको मुख्यमंत्री बनाने का सपना भी वो जब वो बच्चा पैदा हुआ था तभी से देख रहे हैं। जी जी जी, ये बात सही नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है, सही, मतलब पूरी तरह सहमत हो आप जी। तो अब यदि ये डेमोक्रेसी नहीं है जी, तो इसे क्या कहा जाए? इसकी कोई ना कोई तो डेफिनेशन देना पड़ेगी ना। जी जी बिल्कुल, तो इसके, बिल्कुल। इसके लिए मैंने एक उसका चयन किया है, शब्द का शब्द क्वाइन किया है, और जी, उसको जी, हमने नाम दिया है पॉलिटिकोक्रेसी। जी जी, गवर्नमेंट फॉर द पॉलिटिशियन, बाय द पॉलिटिशियन एंड ऑफ द पॉलिटिशियन, राइट। तो ये नेताओं की सरकार, नेताओं के द्वारा नेताओं के लिए, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये आज जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग 42% हैं, चूंकि इनकी जितने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है, तो ये 42% जो है ना बढ़के अगले चुनाव में 50% को क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब है कि फिर ये पॉलिटिकोक्रेसी नहीं रह जाएगी, फिर ये क्रिमिनलोक्रेसी हो जाएगी। तो क्रिमिनलोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। अपराधियों की जो सरकार होगी जिसका पुलिस विभाग जैसी सरकार हो जाएगी जी कुछ दिनों में, हाँ ये तालिबान जैसी हो जाएगी ना जिसमें पुलिस भी उनकी होगी, कलेक्टर्स भी उनके होंगे, सभी सिस्टम उनके होंगे, फिर वो राजकुमार जी को निकाल के उनको जितने जूते लगाना होंगे लगाए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और आप जो है ना राजकुमार जी रिपोर्ट करने जाएंगे तो वो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई लिखेगा रिपोर्ट क्या? कोई नहीं लिखेगा, राइट। तो इस सिस्टम से हमें तत्काल बचने की जरूरत है, और इन नेताओं से हमारा भला होने वाला है नहीं। जी जी जी। तो क्राइम फ्री भारत का एक नया कॉन्सेप्ट अभी हम लेके, मतलब अभी तो हम उसको डेवलप ही करेंगे, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट तो ये दुष्ट करेंगे नहीं, लेकिन इसको हम डेवलप करके एज ए प्राइवेट बिल निश्चित रूप से अभी पार्लियामेंट में भेजने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि इसे पास तो कोई करेगा नहीं, और पास करने की हमारी भी नियत नहीं है, हम तो इसे पब्लिक डिबेट में लाना चाहते हैं, बस बस बस, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा क्राइम फ्री भारत का, जी जी जी, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। जी जी जी। अब यदि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन होगा जी जी, तो हम और आप सभी लोग खड़े होना चाहेंगे, जब अपने गांड के पैसे ही नहीं लगना है तो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सब लड़ेंगे। तो जितने लोग हैं वो, जितने वोटर हैं वो सभी जो है ना खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा चुनाव संभव है क्या? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेंगे, ऐसे आर्टिस्टिक बनाना पड़ेंगे, जिसमें कि हर कोई जो चुनाव में बैठना चाहता है वो कम्पीट करे, उसका एवेल्युएशन हो, और उस इवेल्युएशन के आधार पर वो जो है उसको जो मार्क्स मिले उनमें से टॉप 5 जो लोग रहेंगे उनको एक अथॉरिटी जो है वो बाकायदा पब्लिक ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी होगी, वो उन 5 लोगों को छांटेगी, ठीक है ना।
और ये पांच लोगों का जो है फिर इनका चुनाव होगा, राइट। और हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे राजकुमार जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहा। हेलो, आप एक आध दिन सर मैं समय निकाल कर और 10-5 लोगों को आपको पास ही लाऊंगा। अच्छा, वो तो आप ले आइएगा, पहले अभी 2 मिनट अपन बात करते हैं, ठीक है ना? जी। तो जो ये पांच लोग है, ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी बनेगी क्योंकि इलेक्शन फ्री रहेगा, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन रहेगा, तो अपने जब किसी के जैसे कोई पैसा तो लगना नहीं है। और दूसरी बात है कि प्रेजेंट सिस्टम जैसी उसमें वो नहीं होगा। आप जैसे आज के सिस्टम में क्या होता है कि आप जाइए और ये करिए, झंडे बनाइए, तो ना तो झंडे बनेंगे, राइट, कुछ नहीं बनेगा, और ना ही आप फेस टू फेस कैनवासिंग कर पाएंगे, ठीक है ना? तो आपकी पूरी कैनवासिंग इलेक्ट्रॉनिक होगी, राइट। और जो इलेक्शन कमीशन है उस जो भी आप कैनवासिंग करेंगे उसका एक्सट्रैक्ट जो है अपने आप जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाए, ठीक है ना? और उसमें आपने क्या वादे किए हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकल के इकट्ठा होता जाएगा। जी जी जी। अब आप जब चुनाव का दिन आएगा उसके एक दिन पहले तक आपसे कहा जाएगा कि देखो आपने इतनी बातें कही हैं, जी जी, आप अब ये बताइए कि इसको जमीन पर उतारने की आपकी स्कीम क्या है, जी जी जी, राइट। और आपके वादे और आपकी स्कीम इसको जो है ना पब्लिक के सामने रखा जाएगा, ठीक है ना? जी जी। और ऐसा पांचों कैंडिडेट के बारे में किया जाएगा, ठीक है ना? जी जी जी। फिर पब्लिक को जिसको भी वोट देना है, राइट, जी जी। और वोट सब इलेक्ट्रॉनिक होगा तो कोई खर्चा बच्चा का कोई स्कोप नहीं है, राइट, जी जी जी। जब इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड हो जाते हैं तो हम जो है ना अपनी वोटिंग को सिक्योर तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं? जी जी जी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी कर सकते। तो जो आप जो जो जो, जो आपका एक ऐप रहेगा वोटिंग ऐप के माध्यम से आप कर लीजिए, बस बस। वो ये भी देख लेगा कि आप ही है, वो आपकी आइडेंटिटी को भी कंफर्म करेगा, वो उस व्यक्ति से अच्छा काम करेगा जो बूथ में बैठता है, राइट, और उसमें इतने सारे अप्रूवल आधार कार्ड से लेकर सब ले लेगा कि आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते हो। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है ना? अब इसके बाद आपने जिसको वोट दे दिया पांच में से तो दे दीजिए आप, राइट, और उसके आधार पर जो है आप जो एक व्यक्ति जो है जो जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो इलेक्ट हो जाएगा। जी जी जी। अगली बार जब जो है ना असेसमेंट होगा, मतलब जो व्यक्ति ऑलरेडी एक बार मेंबर ऑफ एमपी या एमएलए रह पाएगा, जी जी, वो उसको एक और क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी उसकी कि उसने जो है एज इन पार्लियामेंट या पब्लिक में या हाउस में क्या 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 कार्रवाइयां की हैं, राइट, जी। और यदि उसका परफॉर्मेंस वहां एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे रहेगा तो अगली बार जो है ना ही कैन नॉट बी दैट विल बिकम द डिस्क्वालिफिकेशन। जी जी जी। तो आज जैसी समस्या नहीं रहेगी। आज से वो समस्या क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई हम क्या करें, पार्लियामेंट में जो है बहस ही नहीं हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 घंटे में 21 जो है ना एक्ट पारित हो रहे हैं, तो जो जुडिशरी को लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए कई बार जो है ना पार्लियामेंट में क्या बहस हुई है उसका सहारा लेना पड़ता है, वो चीज उसको मिल ही नहीं रही है कि नहीं? तो जो क्रिमिनलाइजेशन वाली बात है वो तो हवा में चली जाएगी क्योंकि वो तो असेसमेंट में आएगा ही नहीं जो भी क्रिमिनल होगा, ठीक है ना, राइट। तो हम एक बहुत अच्छी व्यवस्था ला पाएंगे जहां का हर व्यक्ति जो है ना तपस्वी होगा, कर्मठ होगा, तभी वो 5 में शॉर्टलिस्टेड में आ पाएगा, बिना उसके तो वो शॉर्टलिस्ट हो नहीं पाएगा, राइट। तो डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी की मेरिटोक्रेसी, ऐसे सिस्टम की जरूरत है, ठीक है ना? और आई डोंट नो आपने अभी 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 ये मॉडल को थोड़ी देर के लिए अपन बैकग्राउंड पे कर दें, ठीक है ना? जी जी जी। अभी थोड़ी देर के लिए इसको सिर्फ जस्ट एज चर्चा के लिए मैंने आज उसको पहली बार उतारा है, इसको जी अभी जी और डेवलप करेंगे आगे चल के, लेकिन इसके पहले अपन दूसरी बातें कर लें। हमने एक क्राइम फ्री भारत का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं कि जर्नी फ्रॉम स्केयर सिटी टू अवंडेंस, जी जी,
नेचर में हर चीज अवंडेंट है, तो फिर वेल्थ क्रिएशन भी जो है वो अवंडेंट हो जाना चाहिए। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट रहेगा, और वो फार्मर यदि जीरो एक्टिविटी भी करेगा, मतलब वो कोई काम नहीं करेगा, तो कोई आएगा तो उसके खेत में उसके खेत में जो है ना डिपेंडिंग अपॉन साइज उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो क्या क्या करना चाहता है। तो एक एक कंपोजिट या इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो है ना उसमें सिस्टम रहेगा, और उसमें क्या है कि ये निर्णय आप लेंगे, लेकिन यदि आपका फार्म बड़ा है तो उसमें एक पोर्शन जो है वो हॉर्टिकल्चर प्लांट के लिए रहेंगे, फल वाले फलदार जो है ना वृक्षों के लिए रहेंगे, एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन ऑफ फार्मर, जो भी किसान निर्णय लेगा उसके आधार पर जो है उसे आरक्षित किया जाएगा मेडिसिनल प्लांट के लिए, और तीसरे हिस्से को जो है ना आरक्षित किया जाएगा वो रहेगा आपके ऑर्डर ट्रीज के लिए, मतलब जो है अभी अपन फसल की बात करते हैं, हम पेड़ों से जो है कैटल्स का वो निकालेंगे, फीड निकालेंगे, राइट? तो एक हिस्सा जो है गायों की जो खाने के लिए जो वो है उसके लिए फॉडर जो है वो पेड़ों से पैदा की जाएगी, राइट? और ये पेड़ों में जो फॉडर पैदा होगी वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होगी, राइट? और उसको साथ में कुछ मेडिसिनल प्लांट भी दिए जाएंगे, राइट? और बाकी चीजें भी दी जाएंगी जिससे उसका जो गाय का जो दूध है वो एकदम उसे अमृत तुल्य बनाना है, और इसमें कहीं भी जो है वो फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल पेस्टिसाइड है, इनका उपयोग वर्जित रहेगा, राइट? और इसके बाद जो है एक बड़ा पोर्शन जो है आपके खाद्यान्न के लिए सब्जियों के लिए डेडिकेट किया जाएगा, और हर चीज में निर्णय किसान को लेना होगा, राइट? और उस निर्णय को लेने के लिए जो बैकएंड ऐप है उसका जो है क्या जो निर्णय कितना अच्छा है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगा वो बैकएंड इंजन कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना? और फिर जो है उसी में जो है एक पोर्शन ईयरमार्क रहेगा जो कि गौशाला के लिए रहेगा, तो गायों का दूध घी के साथ साथ जो है गोबर और मूत्र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करना एक मकसद रहेगा, राइट? अब आप कहें कि इसमें पैसे कहां से आएंगे, तो इसके लिए किसानों को कोई पैसा किसी को नहीं देना होगा। अच्छा, क्राइम फ्री भारत जो है एक रिवार्ड पॉइंट सिस्टम ला रहा है जो कि पैसों की कोई जरूरत नहीं होगी, रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और आप जब चाहेंगे उस रिवार्ड पॉइंट को बटन दबा के उसी ऐप से आप पैसे में अपने बैंक में उतना पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, ऐसा है। हाँ, और जो आपका रिवार्ड पॉइंट है वो जैसे बैंक यदि आप उसको डिपॉजिट कर देंगे सीएसबी के साथ, तो जो स्टेट बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट है उसका 1% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा जी, ठीक है ना? तो आपका रिवार्ड पॉइंट ग्रो भी करेगा। जी, इस रिवार्ड पॉइंट से आप जो भी चीज खरीदेंगे जी, वो सीएफबी विल इंश्योर कि उस पर 10% आपको डिस्काउंट मिले। अच्छा, तो इसकी परचेजिंग पावर रुपए की तुलना में 1.1% होगी, बल्कि 1.15% कुछ आएगी, ठीक है ना? जी, मतलब 1/0.9 से जो निकलेगा आई थिंक दैट विल बी 1.111 कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना? 1.2 तो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा रहेगी, ठीक है ना? जी जी। और अब जो है यहाँ जब हम कह रहे हैं किसानों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो काम कौन करेगा? जी। तो क्राइम फ्री भारत जो है वो हर गांव में सर्वे करेगी, लोगों को समझाइश देगी, उन्हें ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा बनाएगी, और इसी दौरान जो है उन युवाओं को आइडेंटिफाई करेगी जिनको जो है वॉलंटियर कहा जाएगा, और उन वॉलंटियर्स को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जो स्किल सेट है उसको डेवलप किया जाएगा, राइट? और फिर अकेला जो है ना उनकी शारीरिक क्षमता नहीं,
बल्कि उनका जो स्किल डेवलपमेंट किया उनमें यदि हम कोई मशीन और टूल दे दें जिस देंगे जिससे कि वो अपना काम इफिशियंटली कर सकेगा, राइट। उसका जो है स्किल डेवलपमेंट कौन करेगा, उसका ज्ञान या ट्रेनिंग कौन देगा, वो सीएफ भी देगा, राइट राइट। उसको जो है यदि उसके जेब में पैसा नहीं है तो ऑन क्रेडिट दे देगा वो आपको, ठीक है ना। आपसे कोई पैसे नहीं लेगा और ज्ञान दे देगा, आपसे बाद में वसूल कर लेंगे करके, ठीक है ना। और आपको जो मशीन चाहिए वो मशीन भी दे देगा आपको, ठीक है ना। वो आपको यदि एक आध व्यक्ति एक साथ काम करने के बजाय हमको लग रहा है कि 10 का ग्रुप चाहिए 20 का ग्रुप चाहिएगा तो वो ग्रुप भी बना देगा, अच्छा, ठीक है ना। और जैसे ही आप जो काम करेंगे उससे जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो है आपको मिलना चाहिए वो आपको उसी समय आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी एज ए रिवार्ड पॉइंट, ठीक है ना। और इसमें टारगेट ये रखा है कि कोई भी 20,000 से कम पॉइंट नहीं कमाएगा, ठीक है ना। अच्छा। और एक रुपए की जो एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू मनी से 1.2 टाइम्स ज्यादा रहेगी, राइट। तो जो है इसका मतलब है कि 20,000 रिवार्ड पॉइंट का मतलब है 25,000 के लगभग रुपए के, ठीक है ना। जी, जी, जी। और उसको जो है हर चीज को खरीदने में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा। तो परचेजिंग पावर जो है ना विल बिकम ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज की। अच्छा अच्छा। मतलब हर व्यक्ति जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है उसकी वैल्यू हमने 50,000 पर मंथ की कर दी परचेजिंग पावर। तो अब उसे जो है ना 1-2 रुपए किलो चावल गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं है, घटिया चीजें खाने की जरूरत नहीं है, उसे बेस्ट क्वालिटी का अमृत तुल्य हर चीज मिलेगी, राइट। हेलो। जी जी जी। और इसके बाद जो है जिस जो पौधे लगना है पेड़ लगना है उसकी पौध जो है सीएफबी की ही ट्रांसपोर्ट वॉलंटियर विंग जो है ना आपके खेत में पहुंचा देगी। फिर सीएफबी के जो है ना ये वॉलंटियर जिसका स्किल डेवलपमेंट अपन करेंगे ये आपके खेत में पहुंच के उन्हें जो गड्ढे करना है वो गड्ढे कर देंगे। फिर जो है ना पौधे लगाने वाले सीएफबी वॉलंटियर दूसरे होंगे तो वो जाके जो है ऑर्गेनिक खाद वहां ऑलरेडी पहुंच चुकेगी तो ऑर्गेनिक खाद से वो पौधे लगा देंगे आपको, राइट। यदि आपके यहाँ पानी की अपनी व्यवस्था नहीं है, यदि आप पानी का खुद देने का काम करेंगे तो आपको उसके एवज में जो है पॉइंट मिलेंगे, राइट। और नहीं तो जो है वॉलंटियर्स जाके उनके पास सब संसाधन होंगे, जितनी मात्रा में जो भी पानी चाहिए वो पानी देने का काम भी कोई दूसरा करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो है आपके यहाँ पे गौशाला का शेड बनाने के लिए कोई पहुंच जाएगा, जो जो काम करेगा चाहे वो शेड लगा रहा हो चाहे उसका फ्लोरिंग कर रहा हो चाहे उसकी नाली बना रहा हो चाहे शेड के ऊपर सोलर पैनल लगा रहा हो, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। जी जी जी। और जैसे ही वो काम करेगा सीएफ भी उसको रिवार्ड पॉइंट अलॉट कर देगा, ठीक है ना। और चूंकि हम चाहेंगे कि सीएफ भी के जो रिवार्ड पॉइंट हैं वो रिवार्ड के पॉइंट में ही फ्लो होते रहे, क्योंकि जैसे ही वो पैसा बनेंगे वो स्केरसिटी में आ जाएंगे, जब में जितने पैसे होंगे उतने खर्च कर पाओगे ना। सीएफ भी पॉइंट तो जो है अबंडेंस में है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। नहीं नहीं है। तो आप जो है सीएफबी पॉइंट और रिवार्ड पॉइंट के रूप में घूमते रहे, ये जो है ना सीएफबी की इच्छा रहेगी, राइट। तो यदि आप उसे पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्करेज करने के लिए एक रिडेम्पशन फीस रखी गई है, ठीक है ना। तो आपको जैसे आप बटन दबाएंगे आपके खाते में 10% का रिडेम्पशन फीस कट के आपके खाते में उतने पैसे उसी समय उसी छड़क पहुंच जाएंगे जी। तो आपके रिवार्ड पॉइंट आपके लिए रियल मनी है जी, क्योंकि वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट के रेट पे बढ़ भी रहे हैं और दूसरा जो है वो उनकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा है और आपको उल्टी रिडेम्पशन फीस लग रही है। तो हमारी इच्छा उसमें ये है कि आप जो है उसको पैसे रुपए में कन्वर्ट मत करिए, ठीक है ना। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो उसी ऐप से बटन दबा के वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपके खाते में पैसे दिखने लग जाएंगे, आपको रुपए मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ना। अब जो है
जैसे कुछ लोग पहले जो है ना पौधों की सैपलिंग लगा रहे थे, ऐसे ही कुछ लोग सीड जो है ना आपके पास पहुंचाएंगे, ऐसे ही कुछ लोग जो है हाई क्वालिटी की गायें आपके पास पहुंचाएंगे, ठीक है ना। कोई लोग जो है आपकी जो गोबर निकलेगा, मूत्र निकलेगा, उसको बहुत हाई क्वालिटी जो है खाद में कन्वर्ट करेंगे, वो कोई दूसरा आके करेगा, कोई दूसरा सुपरवाइज करेगा। अच्छा, मतलब आपको कुछ नहीं करना, ना ना खीसे में पैसे चाहिए और ना करने के लिए कोई आदमी चाहिए। हेलो, आपको कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये सीएफबी का जो बैकएंड इंजन है वो सब इंश्योर करेगा। और जब आपकी चीजें उग जाएंगी तो अभी आप क्या होते, मंडी में जाते हो, मंडी में हर कोई दलाली मांगता है, कोई भैसा मांगता है, भ्रष्टाचार मांगता है, करता है, राइट। यदि आप मोदी जी के मॉडल से जाएंगे तो वो कंपनियां जो है ना आपको मजदूर बना देंगी, तो ना जो है ना मंडी की जरूरत है और ना ही जो है कंपनियों की जरूरत है, राइट। आज ये देखो, एक किसान जो कि एकड़ों में कोई चीज पैदा करता है, उसके बदन की तो सड़ गायब हो रही है, बदन का जो है ना उसकी बनियान में भी छेद हो गए हैं, राइट। और उसी के प्रोड्यूस को जो 3x5 के ठेले में बेच रहा है, उसके साथ दो नौकर आ गए हैं, वो उसी प्रोड्यूस को 4 गुना कीमत पे बेचता है, बेचता है कि नहीं बेचता है। हेलो हेलो, मैंने कहा कि जो ठेले पे बेचने वाला, सब्जियां फलों को बेचने वाला है, वो जो है किसान से ही वो सामान को मंडी के थ्रू खरीदता है, और वो भी जो है ना एकदम बहुत ही सस्ते दामों में, और इसके बाद उसे लगभग 4 गुना, कम से कम 4 गुना कीमत पे कंज्यूमर को बेचता है, वो अपने ठेले पे बेचता कि नहीं बेचता है, राइट। या यदि खाद्यान्न है तो वो खाद्यान्न जो कि वैसे भी जो है ना खराब खाद्यान्न है, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हुआ है, तो विषयुक्त तो जो है ना खाद्यान्न है, आजकल जो है ना उसी विषयुक्त खाद्यान्न को, केमिकल खाद्यान्न को खाने के कारण ही हमें कैंसर हो रहे हैं, हमें बहुत सारी ऑटोनोमस डिसीज हो रही है, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो बनिया जो आपसे खरीदता है, चूंकि पॉकेट लंबी होती है तो आपसे खरीद के अपने गोदाम में होल्ड कर लेता है, बाजार में उसकी कमी पैदा करता है, और वो भी 3-4 गुना ज्यादा कीमत पर जो है ना कंज्यूमर को बेचता है, राइट। तो अब इस सीएफबी की व्यवस्था में ना तो बनिया है, ना ही कोई जो है ना मंडी है, राइट, और ना ही कोई ठेला लेके बेचने वालों की जरूरत, राइट। तो सभी लोग जो है ना वॉलंटियर बन के जो जो जिसमें काम करना चाहता है काम करे, सब जो है ना सीधे कंट्रीब्यूट करे वेल्थ क्रिएशन में, ये फालतू के बीच के धंधे बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और सीधे जो है कंज्यूमर खरीद पाएगा, और वो ये खरीद पाएगा कि यदि मैथिली संघ खरीदना चाहते हैं तो हम राजकुमार जी के खेत में जो पैदा हुआ अनाज है, पैदा हुआ फल है, पैदा हुआ सब्जी है, हम वो खरीद पाएंगे, और आपकी जो है हर चीज की एक क्वालिटी ग्रेडेशन होगी। तो उसके लिए क्वालिटी ग्रेडेशन के लिए भी मशीन्स और डिवाइसेस होंगे और वॉलंटियर्स होंगे, राइट। और उस क्वालिटी को कंज्यूमर एंड पे भी वेरिफिकेशन का सिस्टम होगा, और यदि जो क्लेम्ड क्वालिटी जो है नहीं पाई गई वहां पर, तो उसमें जो पेनल्टी लगेगी वो किसान से, और जिसने उसको फर्जी और ठीक जो ना क्वालिटी नहीं दी है उससे कटेगी, राइट। और यदि उसमें 2-4-5 बार ऐसा किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे फिर वो काम भी नहीं दिया जाएगा। तो एक बड़ी साफ सुथरी व्यवस्था होगी, और किसान जो है वो तो अपना कोई भी काम एमएसपी पे बेचने की जरूरत नहीं होगी, उससे वो एमएसपी से दुगनी या तिगनी कीमत पे बेच पाएगा, और उसका बिकना भी चाहिए, क्योंकि जो वो पैदा कर रहा है वो अभी केमिकल युक्त जहर पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि वो ऑर्गेनिक अमृत पैदा कर रहा है। तो अमृत के लिए उसे दुगना तिगना तो पैसा मिलना ही चाहिए ना। हेलो हेलो, ये बात आप सहमत है कि नहीं है। तो जो इस अमृत के लिए जो खरीदने वाला है, राइट, उसको भी जो है जितना पैसा वो लगाएगा उतना ही पैसा जो है ना उसको लगना है, राइट। तो वो यदि दुगने रेट पे खरीदता तो दुगना मिल रहा है, और अमृत खरीद रहा है, अभी वो 4 गुने पे जो है ना जहर खरीद रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में वेल्थ ही वेल्थ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी हो जाएगी, है ना। तो ये इसमें जो है सब लोगों के लिए हेल्थ की गारंटी रहेगी, सब लोगों के लिए योगा की गारंटी रहेगी, सब लोगों को मनोरंजन की गारंटी रहेगी, और सबसे कम पाने वाला जो है वो 50,000 रुपए क्रय वैल्यू का जो है उसकी अर्निंग रहेगी। जी जी जी। तो किसानों की अर्निंग तो बहुत ज्यादा रहेगी, किसानों की अर्निंग तो 2,00,000-5,00,000 के ऊपर ही रहेगी पर मंथ। 115 चलेगा, राइट। हेलो हेलो। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें देखिए कि इस व्यवस्था में किसानों को जोड़ने में और कैसे हम जो है ना इसको जमीन पे उतारने पे बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों से चर्चा करिए, उनको जोड़िए, हम जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को जो है वो ग्राउंड पे उतारने के लिए कृत संकल्पित हैं। और फिर जो है हमारे लोगों के बोर्ड जो है लोगबाग दारू देके, लोगबाग जो है ना साड़ी देके, लोगबाग फ्री भी देके नहीं खरीद पाएंगे। तो जो हमारा वोट होगा वो ऑन मेरिट होगा और हम एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी गवर्नेंस को कायम कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल सही बात है। आप सहमत हैं इस बात से? जी जी। तो आप फिर आप जोर से भिड़ जाइए इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए। चलो बिल्कुल बिल्कुल सर सर सर। चलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय।